खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान से ही है, सचिन पायलट पर अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है। बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में, पायलट ने कांग्रेस को धोखा दिया, ये कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दरअसल पायलट का चाल चरित्र चेहरा सामने आया है, ये अशोक गहलोत ने सीधे सीधे तंज कसा है। अब खुलकर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कई सारे हमले किए हैं, कहा बीजेपी के लिए ये कदम आत्मघाती है। पायलट के मान सम्मान में कहीं से कोई कमी नहीं की गई कांग्रेस में। पायलट को कम उम्र में सब कुछ मिला, सारी साजिश का हमने पर्दाफाश किया है। मुंबई के कॉरपोरेट हाउस के लोग फंडिंग कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। बाउंसर विधायकों को रोक रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर यह तीखा हमला किया है, बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्हें काफी कम उम्र में सब कुछ मिला। सीएम ने कहा कि उन्हें पता था कि सचिन पायलट नाकारा थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट पर निशाना साधते हुए कह गए कि हमने कभी सचिन पायलट पर सवाल नहीं किया। 7 साल के अंदर एक राजस्थानी ऐसा राज्य है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं की गई। हम जानते थे कि वे निकम्मे थे, नाकारा थे, लेकिन मैं यहां बैगन बेचने नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री बनकर आया हूं। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोले, सभी ने उनको सम्मान दिया। ये अशोक गहलोत आज देखिए किस तरह से हमलावर रहे सचिन पायलट पर। आपको सुनवा देते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा सचिन पायलट के बारे में। ये नौबत ही क्यों आई कि हमारे हमारे अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट साहब जो 7 साल तक रहे, 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात होती है। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था, किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्स्टिट्यूंसी करी, जिस रूप में पार्टी को कैसे अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को, थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, तो कहा गया कि आप हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं अलग पार्टी में, आप इस्तीफा देंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा बीजेपी का, ये हमने वादा ले लिया उनसे। और एलएन गवर्नमेंट बनेगी, बिहार की तरफ कर लेंगे। तो अशोक गहलोत को सुना आपने, अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने बहुत गंदा खेल खेला और उन्होंने हरीश सालवे का जिक्र किया, उन्होंने जो केस लड़ा जा रहा है, इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। पायलट का चाल चेहरा सामने आ गया है, बीजेपी को खुश करने के लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ साजिश रची, ये बड़ा आरोप अशोक गहलोत ने लगाया। कहा वो निकम्मे थे, नाकारा थे, धोखेबाज हैं और मैं बैगन बेचने के लिए नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री हूं राजस्थान का। साफ शब्दों में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल आज किया, पहली बार देखिए आप राजस्थान में ये सियासत किस तरफ जा रही है, क्योंकि लगातार मामला कोर्ट में है, सुनवाई एक तरफ चल रही है इस पूरे मामले पर, दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ साजिश रची, पहले दिन से ही वो इस बात को कहते रहे। अरविंद हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जयपुर से। अरविंद, अशोक गहलोत ने आज तो खुलकर आरोप लगा दिए, कहा कि निकम्मा है, कुछ जानता नहीं था, और साफ साफ उन्होंने कहा कि मैं बैगन बेचने के लिए नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री हूं राजस्थान का, और बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रचकर सरकार गिराने की साजिश रची सचिन पायलट ने। जी बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत ने आज से पहले इस तरह के जो शब्द है वो कभी प्रयोग में नहीं किए थे राजनीति में भी, लेकिन आज जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं अभी ये लग रहा है कि
सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में जगह है वो अब बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसकी ओर से कि यदि सचिन पायलट आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन आज जो चीजें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, संभवतः आज से पहले उन्होंने इस तरह के जो शब्द हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के लिए भी उपयोग में नहीं लिए होंगे जो शब्द उन्होंने आज यहाँ पर कहे जी। इस तरह से अब देखने की बात होगी कि आने वाले दिन जो राजनीति जो है राजस्थान की वो किस ओर जाती है, लेकिन हाईकोर्ट में जो अब मामला चल रहा है तो हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं अब उम्मीदें टिकी हुई हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंह भी लगातार पैरवी कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो स्पीकर हैं उनके आदेश पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उस पर जो स्टे है वो नहीं हो सकता है, उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है, कारण बताओ एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया और उस नोटिस पर स्टे नहीं हो सकता है। साथ ही जिस शेड्यूल 10 के जिस पैरा 2 क्लोज 1A की जो बात कही जा रही है उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस पर जो है हाईकोर्ट है वो टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है इस शेड्यूल को लेकर के। तो अब देखना होगा क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई चल रही है, ऐसे में क्या कुछ हाईकोर्ट में नतीजा रहेगा, क्या कुछ परिणाम हाईकोर्ट से निकल करके सामने आएगा, क्या आदेश हाईकोर्ट का होगा, वो यहाँ पर काफी देखने वाला होगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए जो आज बातें कही हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि अब सचिन पायलट की जो जगह है वो कांग्रेस पार्टी में ना के बराबर हो चुकी है। अब यदि पायलट खुद चाहेंगे तो भी वापसी उनकी काफी मुश्किल यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन अब इस वक्त जो है अभिषेक मनु सिंह की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी की जा चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो एजी है उन्होंने भी पैरवी कर दी है। तो क्या दलीलें रखी है हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद, जो दो अधिवक्ता है वो यहाँ पर बात करेंगे। अरविंद, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलीलें रखी है हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की यदि दलीलों की बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो याचिका है ये प्री मैच्योर है और याचिका को खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड के अमृता राव के जो केस था उसकी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर इसी तरह का जब मामला हुआ विधानसभा की जो नोटिस था उसको चैलेंज किया गया तो विधानसभा ने उसको खारिज, जो हाईकोर्ट था उसने उसको खारिज कर दिया। तो यही मांग उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट से की कि इस तरह का जो जो है नोटिस जो दिया गया उसको जब यहाँ पर लेकर आए सचिन पायलट का गुट तो इसको खारिज किया जाए। साथ ही उन्होंने कई और भी, चाहे यूपी के राणा केस जो हो वो वहाँ के हाईकोर्ट से उसका निस्तारण हुआ, उस केस का रेफरेंस दिया, कई जो अलग अलग केसेस थे उसका उन्होंने रेफरेंस दिया और उसमें ये कहा कि जो स्पीकर जो फैसला है उस पर न्यायपालिका जो है वो टिप्पणी नहीं करती है, ये देखा गया है सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में इस बात पर सामने आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाईकोर्ट हो उन्होंने न्यायपालिका जो विधायिका है उसका जो काम है स्पीकर का जो काम था उसमें उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।